आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन कल सुबह व्रतियों ने छठ माई की पूजा करते हुए उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन किया और इसके साथ ही सूर्य उपासना का महापर्व छठ सादगीपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इस दौरान शासन व प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए व्रतियों ने अपने घरों के बाहर जलकुंड बनाया और उदयमान सूर्य को अर्घ्य दे अपने उपवास को खत्म किया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने घर की छतों पर घर के बाहर टबों में जल भरकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते हुए नजर आए। इस कड़ी का सबसे अहम पहलू यह रहा कि छठ व्रतियों ने व्रत का समापन करते हुए माई से यह मांगा है कि इस खतरनाक महामारी से लोगों को जल्द ही निजात दिलाएं ताकि अगले बार उनके इस महापर्व पर हजारों की तादाद में भक्त इकट्ठे होकर घाटों पर उनकी पूजा अर्चना धूमधाम से कर सके। वही छठ माई के व्रत रखने वालों में महिलाओं के साथ पुरुष सहित बच्चे भी नजर आए और उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। माई के भक्तों का कहना था कि छठ माई हर किसी की मनोकामना पूरी करती है, बस सच्चे मन से और पूरे विश्वास से सिर्फ माई को याद करने की जरूरत है। कहा जाता है कि संतान की सुख समृद्धि दीर्घायु की कामना के साथ सूर्य की कृपा प्राप्त के लिए छठ का पूजा करना मुख्य उद्देश्य है। सूर्य की कृपा से आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस बार कोरोना महामारी का प्रकोप होने के चलते सार्वजनिक रूप से नदी तालाब और घाटों पर सार्वजनिक रूप से होने वाले कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगी रही, उसके बावजूद भी लोगों का जुनून और आस्था कम होने का नाम ही नहीं लिया। सभी ने सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण माहौल में छठ महापर्व का समापन किया। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें nationupdate.in। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।